जीजा हो या साला, गोरा हो या काला, रंग लगाओ ये वाला मजा बांधेगा। दुकान तो खोल लिए, कोई आया नहीं है अभी तक है? पांक एकदम 3-4 लाख का सामान ला के रख दिया हूँ, अब बेचूंगा मस्त महंगे में। बस कस्टमर आ जाए। इन्होंने तो आतंक मचा दिया बिल्कुल ही। अरे ए, कलर तो खत्म हो गए। कलर खत्म हो गए। ओ कलर दे यार, कलर खत्म हो गए यार। कलर खत्म हो गए? दुकान में गया अगल बगल। अबे इसका भूत बनाने यार, मुझे कलर दे। दुकान देखो यार। उए, उए। उए। होली की दुकान। शैतान राउल। शैतान राउल। चल चल चल, वहीं पे भूत बनाएंगे। चल चल चल। अरे ये तो इधर ही आ रहे हैं, इतना कस्टमर है। मजा बांधेगा मजा। भैया कोई पक्के कलर है ऐसे जो इसके लगाऊं ना तो इसके घरवाली इसकी शक्ल ना पहचान पाए? अरे भाई सारे के सारे पक्के ही कलर है, बताओ कौन सा चाहिए। मुझे तो लग रहा है ये वाला पक्का। दिखाओ भैया, साले शक्ल भी नहीं पहचानने दूंगा घरवाला को। भैया और भी आ गया, दिखाओ और भी दिखाओ। अरे बस करो, रख उसको रख। सारे का सारा कलर बर्बाद कर रहे हो, पहले पैसे दो तब मिलेंगे सारे कलर। और जो यूज करे ना उसके पैसे दो पहले जल्दी। पैसे चाहिए तुम्हें हमसे? हाँ दराटे काट रहा है। कलर हमने यूज करे, उसने यूज करे, उसके लगे हैं। हाँ देखो थोड़ा सा भी कलर लगा है, सारा इसके ही लगा हुआ है। अरे वो ज्यादा तेज चलने की कोशिश मत करो। और सुन गंजे, ये जो कलर उठाए ना इसके पैसे पहले देने पड़ेंगे, फिर लगाओ इसको कलर। चल बेटा पैसे निकाल, पापा पैसे मांग रहे तेरे। अरे ये भी सही लग रहा है यार। अबे वो सारे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? बना दूंगा तेरा भूत यहीं। पैसे तो जल्दी। अरे अंकल कितनी बार बोलूं मैं, मैंने 1 रुपए का भी कलर यूज नहीं किया आपका। जिसने किया है इसने किया, जितने भी रुपए का किया है। पैसे पहले पैसे सुन तो ले गंजे, 800 रुपए दो। 800 रुपए? 800 रुपए? 800 रुपए? यार एक स्प्रे और एक गुलाली तो यूज किया है, 800 रुपए थोड़ी ना हुए, बताना कितने हुए। 20-30 रुपए मिल जाते हैं चोर बाजार में। अच्छा चोर बाजार में? चोर बाजार में मिलते होंगे 30-30 रुपए के। ये चोर बाजारी का माल नहीं है, ये मेरा माल है, समझा? A1 क्वालिटी नेचुरल कलर्स हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। देख नहीं रहा इतना बड़ा बैनर लगवा रखा है, होली की दुकान शैतान राहुल प्रेजेंट्स है, नाम चलता है नाम। क्वालिटी का था नहीं? कहाँ क्वालिटी का अंकल, धुलते ही गायब हो जाएंगे कलर। अरे ओ गंजे बकवास मत कर, पैसे निकाल। अबे ओए उसको गंजा कैसे कह रहा है? हाँ। तुझे कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं? मैं थोड़ी ना हूँ, तुझे गंजा कह रहे हैं भैया। तुझे गंजा कह? आप गंजे। अरे मार दूंगा, जी तो मार दूंगा। यहाँ हम में से गंजा कौन दिख रहा है? ये ना तो ये गंजा है। गंजा थोड़ी ना, इसके सर पे बाल है, दिखाओ ना यार। ये दिख नहीं रही छोटी। ये सब छोड़ो, 800 रुपए निकाल गंजे जल्दी। बेटे तू इसी कॉलोनी का है ना, तो दे दियो अंकल को, हम चलते हैं। ठीक है पैसे दे, चल जल्दी। अंकल मेरा एक रुपया भी नहीं है, जेब भी नहीं है, पैसे कहाँ रखता? चल दे पैसे जल्दी, अब नहीं तो और मारूंगा। पैसे भी नहीं है, रिफंड में मार दिया मेरे को। मेरे पास भी पैसे नहीं है यार, ऐसा गरीब। पांक नहीं अंकल, पैसे चाहिए आपको? हाँ पैसे चाहिए जल्दी। पैसे चाहिए ना? पैसे, रुपया, रोकड़ा, डॉलर, पक्का, देख लो, बुरा ना मानो। बोलिए बस, साले कहाँ चले गए? अरे धोखे धोखा दे गए, वो मकल चलेगा। साले जहां मिल गए ना वहीं मारूंगा, देख लेना। साला पूरा बर्बाद कर दिया मेरी दुकान का सामान। आओ चलो बताता तुम्हें। क्या है साले, तेरी वजह से हुआ ये सब, ठीक है ना? ना तू हमें मिलता, ना तेरे कलर लगाते, ना उस दुकान पे हम जाते, ना हमें 800 रुपए देने पड़ते। हाँ साले पता कितनी बेइज्जती होगी, मेरी टैट पे मारा था ना, टैट पे पैड पैड पैड, दर्द हुआ होगा मेरे।
टैट मारा इसके। और तूने देखा गुलाल कैसे ऐड रहा था अपने गुलाल पे, A1 क्वालिटी। हाँ A1 क्लैरिटी, पता नहीं क्या कुछ भी नहीं था भाई इसके कलर में। भाई क्लैरिटी क्या, HD कुछ भी नहीं था। क्लैरिटी कौन सी क्लैरिटी की बात कर रहा था। बहुत मारा यार। वैसे था कौन वो उसकी दुकान पे हम गए? मुझे क्या पता कौन था, तू ही लेके गया था ना पूरी दुकान। इसको लंग लगाएंगे वहां से कलर लेके आएंगे। मैंने बोला अरे वो था शैतान राहुल स्टैंडिंग गेट में जो अभी। तू बड़ा उसके साथ दे रहा है यार, बहुत गंदा मारा। मैं तो कहता हूँ इसे भी अपनी टीम में ले लेते हैं। टीम में आएगा क्या? अबे ओए इस चिड्डी पिड्डी को मत रख लियो। हैं क्या बोल रहा है बॉस? बॉस भाई इसमें तो फुल जान लग रही है मेरे को। पावर है इसमें तो, देखने में पता लग रहा है खाली। हाँ चल आज से तू हमारी टीम में। अबे ये सब छोड़ना, ये बताना गुलाल कैसे चुराया उस दुकान वाले से। हाँ भाई अब ठीक है, हम चार जने हो गए, एक से भले चार हाथ। आठ हाथ हो गए मेरे पास अब। हाँ वही। हाँ तो ना मेरे पास एक प्लान है उसे पीटने के लिए। टकले बक्की बक्की मार दूंगा। मेरी बात सुन, अब मैं तुम्हें प्लान बताऊंगा। अभी पिट क्या होना तीनों। हाँ तो प्लान सुनो। सही प्लान है, मस्त, ये बॉस बनने लायक है। अरे सही लग रहा भाई तू तो। बाल आ गए। हाँ अरे वो मोटे, ये वाली दे, ये वाली पहन। मैं जल्दी पहन लेना, सामान भी तो लूटना। ये भी सही है। हाँ तो जल्दी चलो, सामान भी लूटना है हमें। ऐसे में तो हमें पहचान भी नहीं पाएगा। चलो अले कमीने, आएंगे तो इसी साइड से ना, जैसे दिख गए ना उनको भूत बना बना के मारूंगा। तुम लोग कहीं देखे देखे से लग रहे हो। हमें भी आपका थोबड़ा कहीं सुनेला लगता है। सुनेला लगता है, दुखेला लगता है ना, दिखेला लगता है, मरेला लगता है। अरे लगता है लगता है। कलर लेने आए हो मतलब? हाँ कलर लेने आए। कलर दो जल्दी, स्प्रे दो ना, पांच स्प्रे, पांच स्प्रे दो। पांच स्प्रे नहीं, तुम्हें कहीं तो देखा है मैंने। अंकल जी थोड़ा दिमाग तोड़ी गेड़िया भी चके दिखाई नहीं देता। दाढ़ी वाले लोग हम लोग, दाढ़ी वाले लोग अंकल। लेकिन नहीं 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 बेटा, मैंने कहीं तो देखा तुम लोगों को। अरे अंकल देखा होगा, फेमस जो है इतने एक दूसरे की वीडियो में आते रहते हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं हम। कथान राहुल। ओए तू अपने बाल हटाइयो। हाँ अंकल जी इसके बाल बाल पे मत जाना। इसके पापा ना आर्केस्ट्रा में वो बजाते थे, क्या काम करते थे, सॉरी। तो बचपन से ऐसे बाल है उसके, ओरिजिनल। और तू तू अपने लाल बाल हटाइयो। ओ अंकल जी इसके बाल पे मत जाना। जिस ऑर्केस्ट्रा में उसके पापा काम करते ना, इसके पापा उसमें क्या क्या हारमोनियम बजाते थे। और तू तू हटाइयो अपने बाल। इसके पापा भी मत जाना, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा ही मेरे बाप का था। ओए तू हटा अपने बाल। इसके पापा मैं ही हूँ, इसके मेरा ही तो है। अरे ये सब छोड़ो यार, हम गुब्बारे लेने आए ना, कलर लेने आया है, स्प्रे उठा। कलर दो अंकल, चल यार। हाँ चलो यार दो यार। हाँ गुब्बारे उठा पांच छह। ये बम उड़ता है क्या? ये बम हाँ ये अंकल ये जरूरी है, ये सारी चीज मेरे को लगता है ये पिचकारी जरूरी लगेगी मेरे को। अरे बस बस बस, अरे बस बस। अरे अंकल बहुत पैसा है, बहुत पैसा। चेक काट के दूंगा चेक। पूरी बेटा, अरे फिर गिर रहा। ठीक है अंकल अब बताओ कितना होगा टोटल तुम्हारे? 98,000 रुपए। 98,000 बस दे दे भाई, खाते में लिख देना। चलो भाई चलो। ओए गंजे साले टकले, मेरे को पता था ये तुम लोग ही हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। साले धोखा दिया, मेरे सारे कलर भी गिर दिए। साले जहां मिल गए ना जिंदा जला दूंगा।
सारे कलर वेस्ट कर दिया, फिर से दुकान लगानी पड़ेगी। तो आइए दर्शकों, जानते हैं दुकानदारों की कितनी बढ़िया सेल हो रही है, कितना बढ़िया कलर बेच रहे हैं, नुकसान भी हुआ होगा कुछ लोगों का, तो चलिए पूछते हैं। कैमरामैन फोकस करो, चलो आइए इन दुकानदार से पूछते हैं। देखते रहिए, बने रहिए 24/7 परसों तक चैनल पे। आइए, हाँ तो हमारे सामने एक दुकानदार, इनसे पूछते हैं कैसे चल रही है इनकी दुकान। क्या क्या चल रहा है? ये रिपोर्टिंग चल रही है, कल तक चैनल पे आएगा ना। लाइव चल रहा है? नहीं नहीं, अभी लाइव नहीं चल रहा, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, परसों डालेंगे लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम कल्लू। तो देखिए दर्शकों, इनका नाम है कल्लू जी, लेकिन ये तो गुलाबी हो रखे हैं, तो इनका नाम कल्लू जच नहीं था। तो अपने बारे में बताइए कुछ। हम एक दुकानदार हैं, हमारे पास, हमने अभी आज ही, क्योंकि दो चार दिनों के लिए होली है तो हमने दुकान लगा रखी है होली की। आप हाँ, बस 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 बस। तो देखिए दर्शकों, इनके काम धंधे में बहुत ही मंदा चल रहा है, तो काम धंधा मंदा हो गया और इनका पड़ोसी अंधा हो गया। तो देखते रहिए हमारे साथ परसों तक, जुड़े रहिए हमारे चैनल में। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बहुत कुछ कहना चाहेंगे। फोकस करो। अरे मुंह में घुसेड़ दे ना, मुंह में घुसेड़ दे। अरे फोकस कर रहा था वो, फोकस लेंस खराब हो गया ना, तो जूम मन नहीं मार पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं, देखो जो हमारे पास कलर है, बंदूक वगैरह है, वो आप सुनिए सुनिए सुनिए, आपको उधर देख के नहीं बोलना, इधर देख। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि कैमरे में दिखता है ना। अच्छा अच्छा ठीक, फिर लोगों को लगता है। ठीक है, हाँ हम बोल रहे हैं। हाँ, तो आप बोलिए। देखो हम दर्शकों से बस इतना कहना चाहते हैं कि आप हमारी दुकान पे आइए और कलर वगैरह खरीद के जाइए, क्योंकि हम बहुत बेस्ट क्वालिटी के कलर वगैरह यहाँ पर रखते हैं, नेचुरल, और बंदूक और स्प्रे और बहुत कुछ, समझ रहे हैं। हाँ, तो देखिए दर्शकों, जैसे इनकी दुकान कहाँ पे, आपकी दुकान? हमारी दुकान है ये अपना, ये जो लाल बत्ती के हाँ, सामने तो इनकी दुकान यहाँ पे, लाल बत्ती के पीछे वाली जो दुकान है वो दुकान इनकी नहीं है, उनके पीछे तो वो भी उनकी दुकान है, ढूंढते रहिए, मिलते रहिए। नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम एड्रेस दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इनकी दुकान का पता लीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। हाँ ठीक है, ठीक है जी। हाँ तो और भी कुछ पूछ लेते हैं इनके घर परिवार के बारे में कुछ। हाँ फोकस करो। हाँ तो आप बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में है हम, हाँ, मेरी मम्मी, हाँ, और मेरे पापा, हाँ, और मेरे भाई बहन। अच्छा, बहन नहीं है क्या आपकी? है ना, बताया तो। तो सेटिंग करा दो ना। सेटिंग करा दो तमीज में। कुछ नहीं दर्शकों, वो रिपोर्टर के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो जाती है, कट कर देना। रिपोर्टर का मर्डर भी हो जाता है, पता है तुम्हें? हाँ भैया जी, हमें पता है। तो आप ये बताइए, आपके कलर किस रेट के हैं? रेट हर रेट के हैं, आपको कौन से रेट का चाहिए ये बताइए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके बारे में बताने आए थे दर्शकों को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर हो गया ये इंटरव्यू? हाँ हो गया। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो आ जाएगा ये परसों तक चैनल पे, तो देखते रहिए दर्शकों परसों तक, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ परसों तक का चैनल का एंकर, और ये हमारा कैमरामैन, इसका नाम नहीं पता मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भी नहीं है, मैं इस चैनल का बस खाली किराएदार हूँ। तो मिलते हैं, चलिए आइए अगली दुकान पर चलते हैं आपको। एंकरिंग के बहाने मेरा कलर अच्छा, तभी मैं सोचूं ये कम कैसे हो गए। अरे चोर कहीं के, एंकरिंग के बहाने मेरे कलर वगैरह सब उठा के लेगा साले, जहां मिल गया ना मार दूंगा खत्म कर दूंगा सब बर्बादी। फालतू में दुकान खोल के बैठ जाता, मैं आज के बाद कोई दुकान ही नहीं खोलूंगा। अरे वाह भैया, नई दुकान खोली आपने। अरे जैसे जैसे फेस्टिवल वगैरह आते रहते हैं तो दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, होली आ गई है तो दुकान नहीं खोलेंगे तो धंधा कैसे चलेगा, हमारा घर बार कैसे चलेगा, है ना। हाँ सही बात है भैया, पैसा नहीं कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वैसे महीने का कितना कमा लेते तुम? अरे बस ज्यादा कुछ नहीं, यही कुछ 2 लाख रुपए। ओ भाई साहब, महीने का 2 लाख रुपए? अरे भैया आप तो बहुत रईस हो मेरे बंदे से भी ज्यादा रईस हो आप। अरे बस बस बस, बहुत पैसा है, मेरे माँ बाप ने बहुत पैसा दिया होली पे खर्च करने के लिए, कहा है कि जितना सामान लेना हो ना उतना सामान ले आइयो। तो एक काम करो, आप सबका प्राइस बता दो। ये बताओ ये पिचकारी कितने की है आपकी? 300 रुपए की है। 300 रुपए की? अच्छा, और ये देखिए, इसमें ना स्मोक बॉम्ब लगा के इसे जलाते हैं, इसमें स्मोक बॉम्ब निकलते हैं। कितने की है ये? ये 800 रुपए की। 800 रुपए की? और इसका बम? बम 80 रुपए का। अरे बम की क्या जरूरत है, मैं खुद एक आइटम बम हूँ। ऐसा क्या? लेकिन उसमें से ना धुआं निकलता है, आपने उसे रील बना सकती हूँ, इसको पीछे की साइड वो धुआं निकलेगा और आगे से फोन से रील। मैं आपकी बंदी से ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी बंदी से खूबसूरत? अप्सरा है वो, अप्सरा तुम कुछ भी नहीं हो, चुप रहो। आग लगी ना, देखो धुआं आ गया, जला दिया बम।
अरे ये सब छोड़ो, लड़कियों के लिए स्पेशल पिचकारी है मेरे पास, दिखाऊं? अरे दिखाओ भैया, सब दिखाओ। ये देखो, इसको पीछे पीठ पे टांगना है इसमें पानी भर के, और ऐसे ऐसे। अरे भैया मुझे क्यों बिगा रहे हो, है ना अस्तम? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तो सही है, बैग की तरह टंगी। कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स रखते हो भैया, कितने की है ये? 2500 रुपए का है। 2500 की अच्छी है। आ छोड़ो भैया, ये स्प्रे बताओ आप। स्प्रे स्प्रे कलर, ये छोटा है ये बड़ा? ये 80 रुपए का, ये 160 रुपए का, बताइए कौन सा चीज है। सही है भैया, सस्ती सस्ती चीजें रखते हो आप तो। एक काम करो, इसके सारे नए प्रोडक्ट्स होंगे ना आपके गोडाउन में, जाओ बदलाओ सब कुछ, सारे ले लूंगी मैं। हाँ ठीक है ठीक है, अभी लाते हैं। ये लो मैडम, पूरा भरा कट्टा। अरे सब कुछ डाल दो, नया पुराना सब कुछ डाल दो, सारा ले जाएंगे हम। हाँ ठीक है, डाल देते हैं। वैसे इन सारे टोटल का क्या हुआ? टोटल भाई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? अरे भैया सठिया आ गए हो क्या? 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए नहीं दूंगी मैं। एक काम करो, बार्गेनिंग कर लो, थोड़ा तोल मोल कर लो, 1 लाख पर आ जाओ। इतना कुछ नहीं है, लेना है लो, नहीं तो चलते बनो। ठीक है 1 लाख पर भी आ रही हूँ, जेब में तो मेरे सिर्फ 20 रुपए पड़े हैं। ये निकाल, दे दे, बढ़िया आई है। कैसे से हो आप? अरे वो तू ज्यादा मेरे भड़क मत कर, ठीक है ना? लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी मुंह में गुब्बारा भर भर के मारूंगा। ये गुब्बारा कितने का है? ये गुब्बारे का पैकेट 20 रुपए का। 20 रुपए बस? सारे सामान से तो ये अच्छा है, सबसे सस्ता है। अब देखो भैया, 2 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास। हाँ पर मेरे पास 20 रुपए। एक काम करो, ये देखो तुम्हारे 20 रुपए, ये मैं लेके जा रही हूँ। भाग यहाँ से, शकल मत दिखा दियो आज के बाद। पागल दुकानदार, 20 रुपए का गुब्बारा लेने के चक्कर में 40 रुपए का गुलाल भी चुरा लाई। मैं तो उसको बेवकूफ बना रही थी, उसका टाइम वेस्ट कर रही थी। महीने का 2 लाख कमाता है, इतने से तो क्या ही नुकसान होगा उसे। लड़कियों का दुकान बेचता ही कौन है? सारा सामान निकलवा लिया, 24 चाहिए इसमें भी। आ मत जाइयो आज के बाद। अरे भैया नई दुकान खोली आपने? मम्मी मम्मी यहाँ क्या कर रही है? सही है, हमारी सोसाइटी में भी नई दुकान खुल गई है, अब दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। ये गुलाल कितने का है? मैडम ले लो, आपको जितने का लेना है। इस पे तो 60 रुपए लिखा है भैया। हाँ तो 60 का ले लो। 40 का लूंगी। हाँ 40 का ले लो। एक बार में मान गए। अरे ये स्प्रे? ये 60 का। 40 का लूंगी ये भी। अरे मम्मी जो लेना है ले लो ना, फटाफट जाओ ना यहाँ से। मम्मी राहुल मेरे बेटे, तू दुकान? हाँ मम्मी, बस सिर्फ आपके लिए। निकम्मे, किसने कहा था तेरे को दुकान खोलने के लिए? हाँ तेरी ये जिद ना खत्म नहीं होती, जब ही समझूं मम्मी सामान ले आना। मम्मी इस बार होली बनाऊंगा बहुत अच्छे से अपने दोस्तों के साथ। ये होली बना रहे तू, इतना सामान इकट्ठा करके डबल प्राइस में बेच रहे लोगों को। निकम्मे यही सिखाए, दगाबाजी करता निकम्मा। मम्मी थोड़े से पैसे कमाना चाहता था ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं। तेरी तो हद पार होगी, हद पार होगी बेटा, हद पार होगी। ये देखियो देखियो, सारा सामान लाके यहाँ पे रख रखा है तूने, मेरी जिंदगी आराम कर दी। पढ़ने लिखने की उम्र में तो ये दुकानें दुकान लगा के घूम रहा है। कभी मैगी की दुकान, कभी गोलगप्पे की दुकान, कभी मोमोज की दुकान, कभी चाउमीन की दुकान, यही करता रही है तो जिंदगी भर। मम्मी बस थोड़े से पैसे ही तो कमाना चाहता था ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। देखो देखो इनके हाथ, अंडे में से चूजे निकले नहीं, उड़ना चाहते हैं। हाँ बेटा इतने पैर पसाने चाहिए जितनी चादर हो, समझ गया? अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई करा कर, ये दुकान वकान लगाने में कोई फायदा नहीं है। तेरे बाप और मैं कमा रहे, किसके लिए कमा रहे? तेरे लिए कमा रहे हैं ना। आज तेरे बाप को आने दे, बताऊंगी तेरे बाप को उनका बेटा क्या गुल खिला रहे, दुकानें लगा रहे, पैसा कमा रहे। ये मंगवाया था इतनी जिद कर करके तूने मुझसे, और अब देख ले अपने हाल। चल तू घर घर चल, तेरे बाप को ना आज सारा बताऊंगी। ये सामान यहीं आने दे, तेरा बाप आके देखेगा।
कोई नहीं।